आजकल टोक्यो ओलंपिक चल रहा है और इसी ओलंपिक की गेम से एक और नया सुपरस्टार भारत को मिल गया है जिसका नाम है नीरज चोपड़ा। हो सकता है आप इनके बारे में ज़्यादा ना जानते हों, लेकिन इस वीडियो में आप इसीलिए आए हैं क्योंकि आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे और कुछ रोचक बातें जानेंगे इनकी लाइफ से जुड़ी हुई, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, अब इनका जन्म वहीं से हुआ है जहाँ पर देश को आर्मी ऑफिसर्स, बड़े बड़े खिलाड़ी, कबड्डी खिलाड़ी, खो खो खिलाड़ी, कुश्ती, पहलवानी वगैरह वगैरह। तो इनका जन्म पानीपत हरियाणा में हुआ था। ये पहले भी पोलैंड, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और बहुत सारे देशों में जाके मेडल ला चुके हैं, लेकिन इनकी लाइफ इतनी इजी नहीं थी। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इनके पिता किसान हैं और ये बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जैसे कि एक कॉमन किसान का परिवार होता है। तो बात करते हैं चोपड़ा जी की। तो चोपड़ा जी जो है, इन्होंने इस गोल्ड मेडल को पाने के लिए काफ़ी पापड़ बेले हैं। ये जब 16 साल के थे तभी से इन्होंने ठान लिया था कि मैं जेवलिन थ्रो में ही जाऊंगा। बचपन से ये घंटों घंटों प्रैक्टिस करते और काफ़ी बार इनके बाह भी उखड़ जाते थे, उसके बावजूद, घर वाले के बोलने के बावजूद भी इन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ा और इनको सक्सेस भी मिला। ये पोलैंड गए, पोलैंड में इन्होंने मेडल लिया, तो उस मेडल से प्रभावित होकर यहाँ की हरियाणा सरकार ने इन्हें गवर्नमेंट जॉब भी दिया, जो कि इनको काफ़ी हेल्प किया। जेवलिन थ्रो की फील्ड में काफ़ी यूथ इनको आइडियल मानते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के ही हैं, उनका नाम है अरशद नदीम। अरशद नदीम भी इस ओलंपिक में है और 7 अगस्त को इन दोनों के बीच मुकाबला है, तो मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच। ये भी आइडियल मानते हैं और अरशद नदीम का कहना था कि मुकाबला मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है क्योंकि इनके आइडियल रहे हैं चोपड़ा जी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये छोटी सी बायोग्राफी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ और मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।